बकरियां तो बांध ली, अब जाकर भैंसों को चारा डालता हूँ। डाल डाल भैंसों को चारा, आज तो बकरी लेके ही जाऊंगा। मेरी तीसरी बकरी का बच्चा कहाँ गया? बहुत अरसे से तू पे नजर रखी हुई थी, आज तो तेरे पावे बना के खाऊंगा। चल आजा पानी पी ले। चला कर जा। काजी साहब गजब हो गया है, मेरी बकरी चोरी होगी, मैं गरीब इंसान हूँ, मुझे बकरी ढूंढ कर दो। बकरी चोरी हो गई है आजकल, ज्यादा नहीं कुछ चोर बढ़ते जा रहे हैं? कोई बात नहीं, आज ये कद्दू चोर पकड़ के देगा। काजी साहब ये कद्दू कैसे चोर पकड़ेगा? बस ऐसा समझ, चोर पकड़ा गया। तुम जाओ पूरी बस्ती को इकट्ठा करके ले आओ। तुम जाओ एक मेंढक पकड़ के ले आओ। आज चोर बच नहीं सकता, यहाँ पर सेफ रहेगी। शानू की बकरी चोरी हो गई है और काजी साहब ने सारे गांव वालों को बुलाया है, आज हम चोर पकड़ेंगे। बकरी चोरी हो गई है? हाँ। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ कपड़े चेंज कर, अभी मजदूरी करके आया। कई बकरी तुमने तो चोरी नहीं की? नहीं नहीं मैंने नहीं की, मैं तो अभी नमाज पे जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। कहीं कारी साहब मेरी चोरी पकड़ना नहीं, लेकिन क्या करूं यार, जाना पड़ेगा। हाँ भी आप सब गांव वाले आ चुके हैं, चोर पकड़ना शुरू करें। कारी साहब बाकी बस्ती वाले तो आ गए, बस कुछ तो नहीं आया। कोई बात नहीं, उसका इंतजार कर लेते हैं। कारी साहब मैं आ गया हूँ। तू आ गया नित्तू? चाने की बकरी चोरी हो गई है, आज इस कद्दू की मदद से बकरी चोर को पकड़ेंगे। आजकल कद्दू भी चोर पकड़ने लगे हैं। काजी साहब कद्दू से कैसे आप चोर को पकड़ेंगे? ये जादुई कद्दू है बस्ती वालों, ये मिनटों में चोर पकड़ कर देगा। काजी साहब ये कोई नवीन टेक्नोलॉजी निकली है।